पिछले साल की दिवाली यूं ही कोरोना के साए में बीत गई थी, लेकिन इस बार लोग इस पर्व को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दुनिया के विभिन्न देशों में भी धूमधाम से दिवाली मनाई गई। प्रकाश का पर्व दीपावली पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। बहुत से देशों के नेताओं ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। दीपावली बुराई पर अच्छाई, अज्ञानता पर ज्ञान और अंधेरे पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं दी। Hi folks, it's Boris Johnson here wishing everybody a very happy Diwali. And to British Indians, for whom this festival means so much, I want to express my personal admiration and respect for everything you do for our country. So, to everyone celebrating Diwali here in Britain and around the world, I want to wish you all a happy Diwali and a joyful and successful new year. भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने अपना शुभकामना संदेश हिंदी में दिया। उन्होंने इस मौके पर खुशियों, सफलताओं और समृद्धि की कामना की। मैं और ब्रिटिश हाई कमीशन का परिवार ये आशा करते हैं कि आप खुश रहे और सुरक्षित रहे। Wishing all of you a very happy Diwali. ब्रिटेन के वित्त विभाग के प्रमुख चांसलर ऋषि सुनक ने दीपावली के अवसर पर 5 पाउंड का एक नया सिक्का जारी किया। ये सिक्का महात्मा गांधी के जीवन और कार्यों को समर्पित है। इसका सुंदर डिजाइन भारत और ब्रिटेन के स्थायी सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है। सिक्के पर भारत का राष्ट्रीय फूल कमल बना हुआ है। ये शाही टकसाल के व्यापक दिवाली कलेक्शन का हिस्सा है। इस कलेक्शन में ब्रिटेन का वो पहला सोने का सिक्का भी शामिल है जिस पर हिंदू देवी लक्ष्मी की तस्वीर है। यह स्मारक सिक्का ऐसे समय में जारी हुआ है जब दिवाली और भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। आज से चलन में शुरू हुआ 5 पाउंड का सिक्का शाही टकसाल के जिस दिवाली कलेक्शन का हिस्सा है उसमें 1 से 5 ग्राम तक के सोने के सिक्के शामिल हैं। इनमें ब्रिटेन का ऐसा पहला सोने का सिक्का भी है जिस पर धन की देवी लक्ष्मी बनी है। स्वर्ण और रजत के इन विशेष सिक्कों पर भारत का राष्ट्रीय फूल कमल बना है। इन पर महात्मा गांधी का मशहूर कथन मेरा जीवन मेरा संदेश भी दर्ज है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी दिवाली की शुभकामनाएं दी गईं। अपने संदेश में संयुक्त राष्ट्र ने सभी के लिए शुभ और सुरक्षित दिवाली की कामना की। दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मैरिस पायने ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया रिश्ते दोस्ती से बंधे हैं। नमस्ते। I extend my greetings to everyone celebrating Diwali. As Australia and India emerge from the pandemic, we are grateful to those who have brought kindness and health. The nurses, the doctors, the first responders, including many in Australia's vibrant Indian community. We are grateful for the bonds of friends and family, both in our immediate circles and between our countries. Ties between Australia and India have never been stronger. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के शुभकामना संदेश का जवाब देते हुए ट्वीट किया कि धन्यवाद मैरिस पाय ने, दोस्त आपस में आशाएं और खुशियां मिलकर बांटते हैं। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनाइन ने भी दिवाली की शुभकामनाएं दी। दिस ईयर द पेंडेमिक हैज ब्रॉट अस इनक्रेडिबल हार्डशिप। वी हैव सीन फ्रेंड्स, वी हैव सीन फैमिलीज सफरिंग, बट अगेन होपफुली वी सी द लाइट ऑफ होप shine again due to great collective effort, great cooperation and obviously progress in vaccination, and we are very admirative that the country just crossed the vaccine century milestone. I'm also delighted to see that more and more French people here at the embassy, in India, even in France, are embracing this great festival of Diwali, are lighting some lamps, are embracing the message of hope. Shubh Deepavali dosto. Diwali ke avsar par Delhi sthit American dutawas mein khoob sajawat ki gayi. The festival of lights has quickly found a special place in my heart. On behalf of the US mission in India, I wish all celebrating a very happy Diwali. May this day bring light, peace and new beginnings to you. Shubh Deepavali. उधर अमेरिकी विधि निर्माताओं ने दीपावली दिवस विधेयक पेश किया है। इस बिल का लक्ष्य दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश का दर्जा दिलाना है। अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य कैरोलिन बी मैलोनी के नेतृत्व में इस ऐतिहासिक बिल को कई सांसदों की हिमायत हासिल है
जिनमें कई भारतीय अमेरिकी मूल के सांसद भी शामिल हैं। इस वर्ष न्यूयॉर्क में ऐतिहासिक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2 से 4 नवंबर तक सभी अमेरिकियों की दिवाली का आयोजन किया गया है। इसके तहत बुधवार की रात हडसन नदी के ऊपर आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी देखी गई।